सॉरी, मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ा। चल जा अभी जल्दी, अभी तो लेकर आ, खाना लेकर आ जा। ये कैसा खाना बनाया तूने दया, हजम ही नहीं हो रहा है। मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था, आपका कसूर है। 3 दिन का खाना एक ही टाइम में खा लिया तो ऐसा ही होगा ना? नहीं 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 नहीं, नहीं कल नहीं, आज अभी इसी वक्त पूरा लड्डू खाना पड़ेगा। मैं तो खिला दे उसे। बापू जी मैं मेरे बाप। हे भगवान, मेरे पति 2 महीने बाद क्लिनिक शुरू कर रहे हैं। सुनिए। क्या हुआ? 2 महीने में आप डॉक्टरी भूले तो नहीं ना? सब याद है ना आपको? देखते हैं कोमल, कोई पेशेंट आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। आते भाई। अरे जेठा भाई, जेठा भाई अर्जेंट नहीं है तो आप शाम को आइए ना। अरे शाम तक नहीं रुक सकता हूँ कोमल भाभी, पेट में बहुत दर्द है। ओह माय गॉड, आप पेशेंट बन के आए हैं, तो चलिए अंदर आइए। नहीं नहीं एक मिनट, यही रुकिए यही रुकिए। अरे उठिए, भगवान ने हमारी सुन ली, पेशेंट आया है। चलिए चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? वो आप नहीं समझोगे। अरे सही बात है डॉक्टर साहब, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ये क्या है? लड्डू। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है लेकिन। ओह डॉक्टर साहब, 2 महीने बाद प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं ना, और आप हमारे पहले कस्टमर, पहले पेशेंट हो, इसीलिए लीजिए ना जेठा जी। देखिए अभी मैं कुछ भी नहीं खा सकता, खा के ही पेट में दर्द हुआ है। नहीं, मैं आज आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली, आपको खाना ही पड़ेगा। कम ऑन मुंह खोलिए। अरे क्या मुसीबत है। जेठा भाई, जेठा भाई, जेठा भाई गए। पहले दिन अपशकुन हो गया। सही बात है। पेट्रोल डालना भूल गया क्या अब्दुल? आइए 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 जेठा भाई, आइए आइए। सोडा बनाऊं? अरे अब्दुल सोडा बना लेकिन डबल ट्रिपल स्ट्रॉन्ग सोडा बना, पेट में बहुत दर्द है, खाना हजम ही नहीं हो रहा है भाई। जेठा भाई चिंता मत करो, ऐसा सोडा बनाऊंगा कि सोडा अंदर गैस बाहर। Strong, very strong. La bhai la, strong hai na bhai? Ekdum strong hai. Touch kita, touch kita, touch kita, dhan kita na ding, 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 ding. Oh yeah. क्या बात है अब्दुल, क्या सोडा बनाया तूने यार? अरे तो दुकानदार ने तो जादूगर है, तेरा सोडा पीते ही कि झटका में पूरा गैस बाहर। हाँ मैसेज हुआ। ये ले ले भाई, ये ले, मजा आ गया। 10 रुपया 20 रुपया हुआ क्यों? अरे जितना ज्यादा गैस उतना ज्यादा पैसा। ये ले ब्लैकमेलर। क्या लो जेठा भाई? बस अभी ठीक है भाई, सोडा पिया बहुत अच्छा है। ए भाई भीड़े, ये बेच दे भाई तेरा स्कूटर, जितना स्कूटर तुझे लेके नहीं चला है उतना तुम इसको लेके चले हो। रुको मैं ही भीड़े अंकल से पूछता हूँ। भीड़े अंकल, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? जेठालाल क्या तुम्हें पता है 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? भाई क्या बच्चे लोग ने तुमको पूछा, तुम क्या मुझे पूछ रहे हो? नहीं नहीं मुझे तो पता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना पता है। 26 जनवरी सबको पता होता है, मुझे क्या? चलने में एक नहीं 2 चीज बता सकता हूँ 26 जनवरी के बारे में। एक बैंक हॉलीडे, दूसरा
15 अगस्त को 6 महीना वो कंप्लीट होता है तो पार्टी पार्टी सेलिब्रेशन। जेठालाल 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिन। हाँ अभी निकालो कुछ अपना नया। अरे अपने मन का नहीं बता रहा हूँ जेठालाल, इस दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ था जिसे अंग्रेजी में रिपब्लिक डे कहते हैं और हिंदी में प्रजासत्ताक दिन। क्यों बच्चों? करेक्ट भी अंकल, देखा मैंने कहा था ना। अरे मैं भी तो यही कह रहा था ना, लेकिन मीनिंग तो सेम ही होता है। क्या सेम होता है? मैं भी वही बोलने की ट्राई कर रहा था, तुम लोग ने मुझे बोलने का चांस ही नहीं दिया। और मैं भी तो वही बोल रही थी। हाँ, तूने कब कहा? अरे मन में। मन में। देखा इन सब बच्चों को पता है जेठालाल, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। चल ना अभी, तुमको बहुत मालूम है ना, बहुत होशियारी है। चल बता, 26 इंच का LCD और 32 इंच का LCD का क्या भाव है, बोल। चल देखो जेठालाल, तुम विषय मत बदलो। अगर तुम्हें नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता है। बच्चों तो को पता है लेकिन तुम्हें पता नहीं है, कबूल करो ना। चल ना भाई, पूरी दुनिया को मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। खुश हो गया तो बात करते। चले भाई चल, टपो घर पे चल चल। होशियारी बहुत मालूम है, शिक्षक शिक्षक बन के घूमता है। पता नहीं देवा, जेठालाल जैसे कितने लोग इस सोसाइटी में होंगे जिनको 26 जनवरी क्या है पता नहीं होगा। एक शिक्षक होने के नाते कुछ करना होगा। मेहता साहब, जरा आपसे काम है। अरे शिक्षक महोदय, आप क्या कर दिया जेठालाल ने? अरे आप तो अंतर्यामी हो। अरे भाई, तुम्हारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का स्रोत तो एक ही है ना, जेठालाल। मतलब? अरे वो हाई वोल्टेज का स्विच बोर्ड है और तुम हमेशा उसे छेड़ते रहते हो और फिर हो जाता है शॉर्ट सर्किट। मैं कुछ समझा नहीं। कितने वोल्ट का करंट लगा? क्या? अरे भाई क्या हुआ ये बताओ। हाँ मेहता साहब, इस जेठालाल को 26 जनवरी क्या ये पता ही नहीं है। ओहो, तो ये समस्या है। लेकिन इसमें एक जेठालाल का दोष नहीं है भिड़े साहब, इस देश में कितने जेठालाल ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि इस देश के लोकतंत्र का और गणतंत्र का महत्व क्या है। लेकिन ये एक शिक्षक की सोसाइटी में ऐसा हो? अरे हमारे जमाने में हम 26 जनवरी कैसे मनाते थे, रोशनी देखने जाया करते थे, एक उमंग होता था, उल्लास होता था। और आजकल के लोग सुबह उठकर टीवी पर परेड देखते, एक देशभक्ति पर चित्रपट देखते और फिर खा पी के सो जाते हैं। तुम्हारी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये जागृति तुम्हें लानी चाहिए। तुम एक शिक्षक हो, तुम्हें इन सब के अज्ञान को दूर करना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर हमारे गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है। मैं अभी जाकर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखता हूँ कि 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए मीटिंग करनी है और सबको आना है। बिल्कुल। जय गणतंत्र। जय गणतंत्र। किसने फेंका बॉल? टपू ने। अंकल। हाँ? बोल दो ना। नहीं दूंगा। हंसराज हाथी। नहीं मिलेगा अंकल, प्लीज। नहीं प्लीज पापा। अच्छा तू बोलता है तो दे देता हूँ। ठीक है। आओ ना पापा खेलने। मैं? हाँ अंकल, आ जाओ। अच्छा ठीक है, चलो। Very good.
क्रिकेट खेलते हुए? ठीक है, वो बच्चों के साथ भी। चलिए चलिए क्लिनिक संभालिए, चलिए। कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। बेटा ये बैट, आता हूँ। बाय अंकल। बाय। छब्बीस जनवरी के कार्यक्रम के लिए सोसाइटी में मीटिंग रविवार सुबह 10 बजे होगी। सब काम निपटा के जाना होगा। अच्छा, इसमें सभी मेंबर्स को आना है। चाय नाश्ता घर पर करके आइए। कम पड़े तो है मेरे पास। अरे अंदर भी है, आप खाइए खाइए ना खाइए। नए टाइप का चूड़ा बनाया है, चॉकलेट चूड़ा। मेरी नई रेसिपी। बताइए खाके कैसा लगा? वाव, बहुत अच्छा। टेस्टी। अच्छा लगा? तो सबका एक एक किलो का ऑर्डर लिख लूं? अरे बबीता जी नहीं आई? बबीता जी और अय्यर भाई पिक्चर देखने गए। रब ने बिगाड़ दी जोड़ी। अरे कोमल भाभी, हम लोग को सुबह सुबह 11 बजे क्यों बुलाया? मैं कितना घर का काम छोड़ के आई हूँ बाबा। इस बार 26 जनवरी का क्या प्रोग्राम करें? कोमल बेन, हम क्यों फिकर करें? ये प्रोग्राम तो हमारे पति लोग तय करते हैं ना, हमको तो बस तैयार होकर पहुँच जाना है। नहीं नहीं, तैयार होकर नहीं जाना। मेरा मतलब है इस बार हम तय करेंगे। मतलब 26 जनवरी का प्रोग्राम हम लोग तय करेंगे? Yes! हाँ। कोमल भाभी एकदम सही बोल रही हैं। आखिर हर फैसला पति लोग ही क्यों करें? हुँ? क्योंकि यही उनका काम है। नहीं नहीं, मेरे आंटी के सोसाइटी में पूरी सोसाइटी औरतें ही चलाती हैं। मतलब ये सोसाइटी अब हम चलाएंगे? वो फ्यूचर में सोचेंगे, आगे आगे सोचेंगे। फिलहाल हम ये सोचते हैं कि 26 जनवरी को क्या करें। अब हम लोग स्टॉल लगाते हैं पापड़ और अचार का। हाँ, अरे नहीं, देखिए मैं कहती हूँ गरबा स्पर्धा का आयोजन करते हैं। क्या दया भाभी, आप तो गरबा जीत ही जाएंगी, आपको अच्छा खेलना आता है। रिलैक्स लेडीज, रिलैक्स। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इस बार 26 जनवरी को हम सब पिकनिक जाएंगे। पर पिकनिक पर जाए कहाँ? आसाम जाते हैं। हाँ? हाँ, वहाँ हमारे नजदीक के रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे मामा के साली के भतीजे का बेटा है ना 5 नंबर वाला, उसकी मौसी का चचेरे भाई की भतीजे की बेटी का 2 नंबर वाला बेटा, वो पपलू है ना। अरे पपलू। हाँ, वहाँ उसका चाय का बगीचा है, बस वहाँ मौज करेंगे और पेट भर के चाय पियेंगे, फिर लौटते वक्त चाय की पत्ती भी लेकर आएंगे। अरे दया भाभी, हम लोग को एक हफ्ते की पिकनिक के लिए नहीं, एक दिन के लिए जाना है। राइट। हम लोग खंडाला या माथेरन चलते हैं। जीनियस, यू आर सुपर। ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो डन, हम लोग सब खंडाला जाते हैं। हाँ हाँ, खंडाला चलते हैं। हम लोगों ने तो तय कर लिया, लेकिन हमारे पति मानेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम सब मिलकर मना लेंगे। वैसे भी हर बार प्लान तो वही करते हैं और हम मान जाते हैं ना। हाँ, इस बार हमारी बात भी उनको माननी ही पड़ेगी। आखिर हमारा भी तो कोई इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस यानी महत्व। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमने कभी अपने पति को भाषण दिया है? नहीं। नहीं ना, पर हमारे पति हमेशा हमें भाषण देते हैं। हाँ, सोरू के पापा तो हमेशा भाषण देने का मौका ही ढूंढते रहते हैं, खुद को बहुत अकलमंद समझते हैं। हाँ, और भिड़े बहन को बेवकूफ। हाँ? मतलब टप्पू के पापा भी मुझे बेवकूफ समझते हैं। तो अब बहुत हो गई पतियों की पतिगिरी। इस बार हम पत्नीगिरी करेंगे और उनसे ये बात मनवा कर ही रहेंगे। लेकिन हमारे पति खंडाला नहीं आए तो? अगर वो नहीं आए तो हम अपने बच्चों को साथ में लेके जाएंगे। क्यों? हाँ, हाँ, और अगली मीटिंग में हम ये बात सबके सामने रखेंगे। राइट। हाँ, जरूर। और एक बात याद रखो। हाँ, हमारे पतियों के सामने हम हमारा सर ऊंचा ही रखेंगे। ओके। सुना, सोसाइटी में 26 जनवरी के फंक्शन के लिए मीटिंग रखी गई है।
सुना क्या, नोटिस बोर्ड पे पढ़ भी लिया तो बहुत मजा आएगा। क्या बहुत मजा आएगा, हर बार सोसाइटी के लोग जमा होते हैं और फिर टप्पू तेरे और मेरे पापा झगड़ने लगते हैं। हाँ यार, क्या करे। अरे टप्पू, इस बार हम 26 जनवरी को सर्कस देखने जाते हैं। बराबर। अरे लेकिन पिंकू, हम नेक्स्ट वीक ही स्कूल की तरफ से सर्कस देखने जाने वाले हैं। अरे काम कर दे, होली खेलते हैं। होली अभी? गोगी, ये टाइम है होली खेलने का। एक आइडिया, हम मॉल में जाएंगे, मूवी देखेंगे, उसके बाद हम पिज्जा, बर्गर और आइसक्रीम भी खाएंगे। क्यों, कैसा आइडिया? सुपर। तो ये फाइनल रहा, कल के मीटिंग में हम हमारी बात मनवा कर रहेंगे। टप्पू से नो जिंदाबाद, टप्पू से नो जिंदाबाद, टप्पू से नो जिंदाबाद। मेहता साहब, ये अभी तक कोई आया नहीं। क्या करें अय्यर साहब, आप जैसे देशभक्त लोग हैं कहाँ। अगर 31 दिसंबर की मीटिंग होती ना, तो सब के सब वक्त के पहले पहुंच जाते। बराबर। मुझे लगता है भिड़े, हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, हम मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ हाँ। मेहता साहब, ये क्या हो रहा है, 26 जनवरी का किसी को कोई महत्व ही नहीं, किसी के भी दिल में देश के लिए कोई जज्बा ही नहीं। अरे हमारे जमाने में, अरे आत्माराम भिड़े जी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, इतना जज्बाती मत होइए, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बीमार होगे और जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, और उसका खर्चा। हाँ आप सही कह रहे हैं, लगता है हमें ही तय करना पड़ेगा। वैसे भी औरतें और बच्चे के यहाँ पे क्या करेंगे। हाँ वैसे मैंने कार्यक्रम सूची तैयार की है, जरा देख लेंगे। अच्छा आ, अरे क्या, बताओ बताओ। देखिए, ठीक 8 बजे सोसाइटी के सभी लोग वक्त पर सोसाइटी कंपाउंड में हाजिर होंगे। वेरी गुड, शाबाश। 8:10 पर ध्वजारोहण होगा। शाबाश। और 8:20 पर आत्माराम भिड़े 45 मिनट का भाषण देंगे। 26 जनवरी के बारे में आप कुछ कहेंगे मेहता साहब? अरे नहीं, जब आत्माराम भिड़े जी 45 मिनट का प्रवचन दे देंगे, उसके बाद क्या बचेगा। है ना, वो तो है। तो फिर ये फाइनल? बिल्कुल, 26 जनवरी का ये प्रोग्राम फाइनल। एक मिनट, 26 जनवरी का प्रोग्राम हम लोग तय करेंगे। कई बार मुझे लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी असल में गोकुलधाम सोसाइटी नहीं है, हिंदुस्तान का छोटा सा स्वरूप है। बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां जिसे चाहे बोलने की आजादी है, अगर एक पक्ष है तो दूसरा विपक्ष जरूर है, और गोकुलधाम सोसाइटी में तो लोकतंत्र का कमाल का उपयोग होता है। अब देखिए, एक तरफ हमने सोचा कि 26 जनवरी हम मनाएंगे इस तरीके से, लेकिन तुरंत विरोध के दो स्वर उठ खड़े हुए। इधर से बच्चे आ गए कि हम मनाना चाहते हैं 26 जनवरी हमारे ढंग से, इधर से महिलाएं आ गई कि भाई पति क्यों तय करेंगे कि कैसे मनाई जाए 26 जनवरी, हमारा अपना तरीका है 26 जनवरी मनाने का। दो विरोधी स्वर और एक मीटिंग वाले लोग, एक लेखक, एक शिक्षक, वो अलग ढंग से मनाना चाहते हैं 26 जनवरी। अब ये क्या चाहते हैं, 26 जनवरी कैसे मनेगी, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और मेरे साथ देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब तक गुनगुनाते रहिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।